सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफिशियल चैनल को और दबाइए ये बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसाम और आप देख रहे हैं ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ ही दिन पहले एप्पल ने अपने कुछ फोन लॉन्च किए हैं जिनमें आईफोन 8, आईफोन 8S और आईफोन 10 है। उसमें iOS 11 है जिसमें नए नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। उन्हीं फीचर में से एक फीचर है कंट्रोल सेंटर का, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है और वो एंड्रॉयड में भी आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे टूगल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको टॉर्च लाइट का टूगल मिल जाएगा और भी कैलकुलेटर के, कैमरे के, म्यूज़िक प्लेयर के बहुत सारे टूगल्स इसी तरह के मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च करना है हमें कंट्रोल सेंटर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन आ गई हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है कंट्रोल सेंटर iOS 11, इसको हमने इंस्टॉल करना है, जिसकी रेटिंग है 4.7 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेटिंग है। इसको हमने डाउनलोड कर लेना है, मैंने किया हुआ है, आप कर लीजिएगा। इसको सिंपली हम ओपन कर लेते हैं। देखिए ये इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से हमने इसको ऑन कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका जो बार आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये टूगल हमारा आ गया है। यहाँ से आप टूगल का साइज़ भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या, आपको कहाँ चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, बॉटम में चाहिए या लेफ्ट पे चाहिए, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत से फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पोजीशन, बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए, मैंने करंट वॉलपेपर रखा, आप ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं या इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर भी रख सकते हैं। यहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल, जो एप्लीकेशन आप म्यूज़िक में चलाते हैं वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे वाइब्रेशन अगर आपको ऑन रखनी है तो आप ऑन रखें, टच टू ओपन रखना है तो आप टच टू ओपन भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एड फेवरेट ऐप भी, आपने यहाँ पर फेवरेट ऐप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका यूज़ करने करना है। सिंपली यहाँ पे होम पे चले जाते हैं और जैसे ही हम राइट साइड, लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो ये हमारा नोटिफिकेशन, जो हमारा कंट्रोल सेंटर का पैनल है वो ऑन हो गया है। यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्ले। यहाँ से आपको वॉल्यूम का बटन, अगर आप इसको टैप करके रखते हैं तो आपको यहाँ पर सिस्टम वॉल्यूम, म्यूजिक वॉल्यूम और रिंगटोन यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सिंपली आपने बैक करना है, यहाँ पे आप तो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, लो चाहिए या हाई चाहिए, आप सिंपली इसको यहाँ से कर सकते हैं। टॉर्च का यहाँ पे आपको टूगल मिल जाता है, इसके लिए आपको टॉर्च कोई अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑटो स्क्रीन रोटेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको साइलेंट मोड भी मिल जाता है, कैलकुलेटर भी मिल जाता है, यहाँ पर आप सिंपली डायरेक्ट आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो इसी तरह के ये आप फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये ऐप अच्छी लगी है तो आप इसको इंस्टॉल करें, यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी, और अगर आपको कोई सजेस्टेड टॉपिक है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर भी अपनी वीडियोज़ बना सकें। तो फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।